हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे हाथ में है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग S20 FE 5G। अभी चल रहा है सितंबर 2023, और अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है, मतलब आप 20,000 के आसपास कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपको सैमसंग S20 FE 5G फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है पुष्पेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्रॉनिकल, और चलिए इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। मैंने अमेज़ॉन से सैमसंग S20 FE 5G ऑर्डर किया है। तो ये है हमारा बॉक्स जो हमें अमेज़ॉन की तरफ से आया है, सील बंद है चारों तरफ से। सो ये है हमारा बॉक्स, की सील ब्रोकन है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये है S20 FE 5G। इस पर जो प्राइस लिखी हुई है ये है 74,999, 75,000। और यहाँ पे इसका कलर मेंशन हुआ है क्लाउड नेवी 8GB 128GB। तो चलिए फटाफट इसे ओपन करते हैं। और तो ये है हमारा फ़ोन, और तो इसको अभी रखते हैं साइड में। सो ये हमारा स्टैंडर्ड चार्जर है सैमसंग का, 15 वाट का जो आता है, और जबकि ये फ़ोन 25 वाट सपोर्ट करता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारा सिम इजेक्टर, ये हमारा वारंटी कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स ये हैं, कोई मतलब नहीं, क्विक स्टार्ट गाइड है, ठीक है। कोई भी हमें इसमें बैक कवर देखने को नहीं मिलता। फोन है 9W 167, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। एक्चुअली आज से कई सालों पहले मैंने सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा था, उसमें भी मुझे यही चार्जर देखने को मिला था, 9W 167 या 5.2। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड चार्जर है 15 वाट का, तो दैट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। अगर केबल की बात करें तो ये है हमारी केबल, और इसमें आपको 2.02 Type-C केबल मिलती है, आपको इसमें कोई Type-C to Type-C केबल नहीं है। अगर केबल के क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आपको बॉक्स में कोई भी हेडफोन नहीं देखने को मिलता है। और ये देखिए, ये हमारा फ़ोन, और ये हमारा क्लाउड नेवी कलर है। सो यार फर्स्ट फील तो अच्छा लग रहा है फ़ोन हाथ में, नाइस। अब देखिए, हम सबको पता है इसका वेट, हम सब ने लगभग देख ही चुके हैं। ये पिछले एक साल पहले भी ये मॉडल आया था, बस वो 5G के साथ नहीं था। तो इसका लगभग 188-189 ग्राम का वेट है इस फ़ोन का, जो कि 4500 mAh बैटरी के साथ आने वाले फ़ोन के लिए काफ़ी कम है। तो चलिए इसे भी निकालते हैं। फर्स्ट बूट देखते हैं स्टार्ट होता है। ओके, स्टार्ट हो गया। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G सिक्योर्ड बाई नॉक्स। अगर बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो आपको इसमें 6.5 इंच सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है विथ 120Hz, IP68 रेटेड फ़ोन है आपका, 865 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3.1 UFS स्टोरेज देखने को मिलती है, साथ में ये आपको 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फ्रंट में आपको 32MP की सेल्फी, और बैक में आपको 12+8+12 का कैमरा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये आप देखिए साइड्स में, तो यहाँ पर आपको हल्की हल्की बेजल देखने को मिलेगी अप साइड में भी, और डाउन में तो काफ़ी आपको देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पर, और इधर भी है हल्की सी। और इसके अलावा अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिलता है, ये आपका सिम लगाने के लिए। ये साइड आप कुछ भी नहीं है, ये पूरा खाली है। इधर अगर बात करें तो आपको एक माइक देखने को यहाँ मिलता है, माइक्रोफोन, ये आपका चार्जर Type-C, ये हमारा स्पीकर ग्रिल। इस तरफ अगर बात करें तो ये है हमारी पावर बटन, और ये है हमारा वॉल्यूम बटन। तो एक बार चलिए फटाफट इसका सिम निकाल कर देखते हैं कि आखिर आपको कैसी सिम स्लॉट देखने को मिलता है। आपको इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, या तो आप दोनों सिम लगा सकते हैं, दैट इज़ अ नाइस थिंग। तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी जो एक्सटेंड आप लिमिट है वो 1 TB है। सो ये है हमारा आफ्टर फर्स्ट बूट। सो हमारा फ़ोन देखिए स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें एप्लीकेशन की बात करूँ, तो आपको नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये दो एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पे सैमसंग की तरफ से ग्लोबल गोल्स कुछ देखने को मिलता है सैमसंग शॉप। तो लगभग काफ़ी क्लीन UI है, आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। यार काफ़ी अच्छा है फर्स्ट फील, और
काफ़ी लाइट वेट है, मतलब ऐसा आपको फील नहीं होता कि काफ़ी हैवी फ़ोन है। फटाफट चलिए कैमरे का भी टेस्टिंग कर लेते हैं, एक जल्दी से फ़ोटो खींच लेते हैं, देखते हैं आखिर क्वालिटी कैसी है। कैमरे का इंटरफेस सेम जैसे सैमसंग का होता है, शटर लैग नहीं है। अगर पिक्चर की क्वालिटी की बात करें तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, कलर को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, जिसके लिए सैमसंग जाना जाता है। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये फ़ोन अभी 2023 में ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अभी ये फ़ोन विदाउट ऑफ़र आपको 26,500 के आसपास देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पर, और सेम प्राइस पे लगभग आपको ये देखने को मिलेगा अमेज़ॉन पर 27,000 रुपीज़ में। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सैमसंग की तरफ से आने वाला ये सैमसंग S20 FE फ़ोन खरीदें, लेकिन अभी बिग बिलियन डे सेल आने वाली है और अमेज़ॉन की तरफ से भी ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल आने वाली है, और इन सेल में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको सैमसंग S20 FE 20,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ये फ़ोन 20,000 या 22,000 रुपीज़ के बीच में देखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को ख़रीद सकते हो। उसके तीन सबसे बड़े रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस सेगमेंट में इतनी अच्छी डिस्प्ले आपको दूसरा कोई फ़ोन नहीं देता है। नंबर टू, आपको इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। थर्ड रीज़न है, ये फ़ोन प्रीवियस ईयर का फ्लैगशिप किलर फ़ोन है, तो इसकी जो फीचर्स हैं वो फ्लैगशिप लेवल के हैं, जो आपको मिड रेंज सेगमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। सैमसंग S20 FE एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन है, और अगर 20,000 रुपीज़ में आपको ये फ़ोन मिलता है तो ये एक काफ़ी प्रीमियम फ़ोन है, जो आपको इस सेगमेंट में मिलने वाले सारे फ़ोन से अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करेगा। करें 20,000 से लेकर 23,000 के सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में BBD सेल में मैं इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, उस सेगमेंट में आपके पास Realme की तरफ से आने वाला GT2 या GT2 Pro देखने को मिलता है, या Redmi की तरफ से आने वाला K40 देखने को मिलता है। इनके अलावा कोई भी प्रीमियम या फ्लैगशिप किलर फ़ोन आपको इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी मत खरीदिए। लेकिन अगर BBD सेल में ये फ़ोन आपको 20,000 से लेके 22,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, आप डेफिनेटली इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।